जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राम गाइज। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे गाइज। मॉर्निंग हो चुकी है, मॉर्निंग के बज गए हैं 8:30। जी हाँ, जैसे कि डेली होता है तो यही टाइमिंग रहता है गाइज मेरा। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो ये देखिए अमरनाथ गुफा के प्यारे प्यारे से दो कबूतर का जोड़ा मेरे यहाँ पे आ चुका है। अहो भाग्य धन्य मेरे की अमरनाथ की गुफा से ही खुद चल के आए हैं। ऐसा बोलना कुछ गलत नहीं है, मैं सोच सकती हूँ गाइस कि ये मेरे लिए शिव शंकर के भेजे हुए दो दूत हैं। जी हाँ, मैं सोच सकती हूँ, आप जैसे सोचते हैं वैसा ही होता है। सो मेरी ये विश है आप लोगों से कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जितने भी मेरे दोस्त हैं, सबको स्वस्थ रखिए। आप दोनों से बोल रही हूँ, सबको स्वस्थ रखिए, सबको खुश रखिए। और लाइफ में अच्छे लोग हैं तो लाइफ में उनको कभी कोई दुख मत देना। जी हाँ गाइस, तो लीजिए, मैंने तो ले ली आपके लिए वरदान, मांग लिया भगवान जी से। और सावन के सोमवार चल रहे हैं तो मोस्टली ये तो कंप्लीट होना ही है गाइस। और बाकी मैं आपको वेदर दिखा दूँ तो ये वेदर बहुत अच्छा है, लेकिन उमस बहुत है, ऐसा लग रहा है कि बारिश पड़ जाए बहुत तेज। कपड़े यहाँ पे सारे धुल चुके हैं मेरे गाइस। मेरी वॉशिंग मशीन में बहुत प्रॉब्लम आ गई है, न्यू मशीन ली थी अभी वॉशिंग मशीन, लेकिन उसमें बहुत प्रॉब्लम आ गई है, लगता है रिप्लेस करनी पड़ेगी मेरे को। तो कपड़े मुझे हाथ से ही धोने पड़ रहे हैं, इसलिए मॉर्निंग में ही जल्दी से सारे कपड़े डाल दिए थे। ये देख सकते हैं आप, ये न्यू मशीन मैंने ली थी लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं निकला, वो बहुत ही ख़राब हो गई है। उसकी मोटर पहले दिन ही ख़राब हो गई है, तो अभी कंप्लेंट उसकी मैंने की है। तो उन लोगों ने बोला कि या तो आप एक्सचेंज कर लो या 5 साल की वारंटी में है वो, तो या हम उसको मोटर डालेंगे। तो मैं सोची कि एक्सचेंज ही कर लूँ, लेट्स सी देखो क्या होता है। तो चलिए गाइस, यहाँ पे बना लेते हैं अपनी गर्मा गर्म चाय और ब्रेकफास्ट। बन लीजिएगा मेरे साथ कशिश चावला के साथ। आ रहे हैं बहुत सारे वर्क और बहुत सारे पार्सल्स भी मेरे आने वाले हैं। आई होप कि जल्दी से आ जाएं, क्योंकि मैंने पार्सल ऑर्डर किए थे, अभी आए नहीं है। उनकी डेट तो जल्दी ही दे दी थी लेकिन आज हो गई 27। तो एक मिनट, क्या डेट है आज? तो आज हो गया 26, हाँ 26 हो गया। और मैंने ऑर्डर किया था दो दिन पहले, तो आ जाना चाहिए। टैक्सी के क्या क्या आता है तो मैं आपसे खाती हूँ, लेकिन फिलहाल मैंने लेती हूँ यहाँ पे अपनी गर्मा गर्म चाय, जिसका मुझे पैसा पैसे मिला रहता है। कैची सुन गई, आफ्टरनून का टाइम हो चुका है गाइज। ये देखिए 1:30 बजे, अभी 1:10 हो गया है। मैंने यहाँ पे दाल रेडी कर लिए है, यहाँ पे मैंने दाल रेडी कर लिए हैं और यहाँ पे अरहर की दाल रेडी हो गई है, लेकिन इसका कुकर का ढक्कन गंदा हो गया। यहाँ पे मेरे करेले भी बन रहे हैं, आप देख सकते हो। यहाँ पे करेले का मसाला भी मैंने देखो ग्राइंड कर लिया है, अभी इसको करना बाकी है। करेले को छील के जो ये करना था, ये भी मुझे फ्राई करना है। ये देखिए गाइस, अंकल कैसे प्रैक्टिस कर रहे हैं चलने की। आइए उनको दिखा देती हूँ मैं आपको, उसके बाद में हम सब लोग करेंगे लंच। अच्छा, अभी आप घूम रहे हो? घूम रहे हो अभी? हाँ, मैं अभी चक्कर लगाओगे आधा घंटे करीब। चलो ठीक है, और उन्होंने बोला कि आधा घंटे और प्रैक्टिस करेंगे। जैसे ही मेरा लंच रेडी हो जाता है मैं आपसे मिलती हूँ, आपसे रूबरू होती हूँ। यहाँ पे देखिए, जिन लोगों पर कोई काम नहीं है, जो नकारा लोग होते हैं ना, वो पड़े पड़े ऐसे ही करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने, यू शट अप। मैं अपने लंच को दिखाना ही भूल गई। जी हाँ गाइस, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक चीज आपको दिखा सकती हूँ। हाँ, मैं ये दिखा सकती हूँ कि हम लोगों ने खाना खा लिया करेले के साथ और दाल के साथ, आप देख सकते हो। और बर्तन हो गए इतने सारे लंच जब हम लोगों ने किया, मैं दिखाई नहीं पाई। अभी घड़ी में बज गए हैं 3:15 और मेरा हो गया वर्कआउट का टाइम, तो मैं करने जा रही हूँ अपना वर्कआउट। बने रहिएगा मेरे साथ गाइस। गाइस, मीशो से मेरे पार्सल आ चुके हैं, चलिए इनको कर लेते हैं ओपन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आ सकते हैं और आ भी गए हैं। ऑयलिंग की वजह से ना मेरे बाल कितने खराब हो रहे हैं। गुरु, मेरा पार्सल आ गया। ये मैं अपना पार्सल आपको दिखा देती हूँ। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अपना ये सब कुछ फाड़ फूड लिया है और अभी मैं दिखाती हूँ आपको क्या आया है। ये देखिए, मैं जिस दिन लेने के लिए गई थी तो मैंने शॉप से नहीं लिया था। ये मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिल रहा था गाइस, पता है कितने का मिल रहा था? जैसे इसकी MRP रेट मैं आपको दिखाती हूँ, तो इसका MRP रेट है गाइस, आप देख सकते हो, इसका MRP रेट है 289। लेकिन मेरे को ये ऑनलाइन इतने का नहीं पड़ा है, ये मेरे को पड़ा है ऑनलाइन। जी हाँ गाइस, ये मुझे 240 का पड़ा है, 240। तो ये स्विस ब्यूटी की है और ये मेरे को पड़ी है गाइस। इसका MRP रेट मैं दिखा देती हूँ गाइस आपको, इसका MRP रेट है कहाँ यार, कोई तो बड़ा बारीक। ये देखो MRP है 240, मतलब 250 रुपये का। लेकिन आपको पता है मेरे को ये कितने का पड़ा है? ये मेरे को 180 का पड़ा है। तो मतलब गोलू, मेरे को कितने का फायदा हो गया? गोलू सीधे सीधे 100 भी बच गए हैं। पार्टी 100 रुपीज की, हाँ, जो कल तेरे को गोलगप्पे ठुसा के लाई थी, उसका क्या है? गाइस देखिए, मैंने नेल पेंट लगाया हुआ है, ये कितना गंदा वाला है ना। रिमूवर किधर है मेरा? अच्छा,
ये आ गया हमारा ग्रीन गार्डन नेल पॉलिश रिमूवर। ये गाइस हमने कितने सारे कलर लिए हैं जूस का, एंड तो ये वाला जो मेरा कलर कॉम्बिनेशन है ना, ये माइग्रेन। एक्सक्यूज मी, जूस? यस, जूस के नेल पेंट गाइज। ये देखिए मेरे पास जूस के नेल पेंट ये है, येलो वाला स्पेच, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था गोल्ड। तो गाइज मैंने लगा लिया है ये नेल पेंट, और आप मुझे बताओगे कि आप मुझे बताना गाइज कि हम दोनों में से किसका कलर कॉम्बिनेशन आपको अच्छा लगा, प्लीज बताना मेरा दिल। जस्ट वर्कआउट कंप्लीट हो चुका है गाइज मेरा, और घड़ी में अब बज गए हैं 5:15, और अब मैं करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, और साढ़े पाँच या छः बजे मैं बनाऊँगी अपनी गर्मा गर्म चाय। अभी मैं रेस्ट ले लेती हूँ थोड़ा सा। गाइस घड़ी में आप देख सकते हो 6:00 हो चुका है। मैंने ब्रेड को फ्राई किया था घी में, लेकिन आप देख सकते हो जल गया ये। यहाँ पे मेरी बन रही है गर्मा गर्म इवनिंग वाली चाय, और अभी हम चलते हैं रूम की तरफ, देख लेते हैं कौन कौन जग रहा है। इस वाले रूम में तो कोई नहीं है। गाइस मैं तो अपनी चाय लेके आ चुकी हूँ, पूरे घर में अंधेरा करना है, 6 बज गए हैं, गाड़ी तो चलानी पड़ेगी ना, एक साइड तो चलानी पड़ेगी चाय पीने के लिए। गोलू देखिए कैसे सो रही है, शाम के 6 बजे उठ जाओगे। मैं अपनी टीवी ऑन कर लेती हूँ और अपना जायज़ा लेती हूँ चाय का, टेबल पे बैठ के यहाँ पे। गाइज आप लोग देख सकते हो 10:15 हो गए हैं। यहाँ पे मैं बना रही हूँ आज फ्राइड राइस डिनर। ये देखिए राइस मैंने सुबह बनाई थी दाल के साथ। अभी आदित्य, कृष्णा और गोलू ने बोला है कि हम फ्राइड राइस खाएंगे, और अंकल के लिए मैं करेले के साथ रोटी दे दूंगी उनको, और हम लोग खाएंगे फ्राइड राइस को।